सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैंने इनफाइनाइटली चार्जशीट ओके। तो हम इसके लिए अब एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं, तो ठीक है करते हैं। तो कंसीडर कीजिए हमारा एक पहला कि इनफाइनाइट चार्जशीट कंसीडर कीजिए। तो ये है मेरा इनफाइनाइट चार्जशीट कंसीडर कीजिए। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस इनफाइनाइट शीट पर है वो यूनिफॉर्म है, दैट इज जो सिग्मा है इस सरफेस के लिए वो कांस्टेंट है। तो सिग्मा क्या है, तो सिग्मा हमारा है नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज फॉर यूनिट एरिया, एरिया। तो सिग्मा हमारा है क्या, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये जो है कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम इस इनफाइनाइट शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कंसीडर कीजिए किसी एक पॉइंट पी, ओके। ऐसे मान लो कि हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसको हम कहते हैं पॉइंट पी, राइट। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिस पॉइंट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम गॉस लॉ यूज करने वाले हैं, क्योंकि गॉस लॉ सिर्फ एक क्लोज सर्फेस के लिए वैलिड है, क्योंकि हमें पता है कि गॉस लॉ कहता है कि सर्फेस इंटीग्रल ऊपर दैट सर्फेस, दैट क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज, दैट इज द नंबर ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय दैट सर्फेस बाय इप्सिलॉन जीरो, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमें पता है, यही हमारा जो गॉस लॉ कहता है, क्योंकि हमें एक कुछ एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए पहले गॉस लॉ पुट करने के लिए। पहले हमें कोई क्लोज्ड सरफेस चाहिए, तब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना चार्ज इसके ऊपर इनक्लोज हो रहा है। तो इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले हम क्लोज्ड सरफेस कर लेते हैं। तो मान लो कि एक छोटा सा सिलेंडर यहाँ पर है, ठीक है। ये जो सिलेंडर है इसका एक, तो अगर मैं इसको एक वन डायमेंशनल दिखाना चाहूँ तो मान लो ये जो प्लेन है ये ऐसा है, ठीक है, वन डायमेंशनल में, और जो ये सिलेंडर है कुछ ऐसा है। नॉट नेसेसरी दैट ये सिमेट्रिक हो अबाउट दैट लाइन, मतलब ये परपेंडिकुलर यहाँ पर है। तो ठीक है, कर लेता हूँ अच्छे से एक। तो ये जो है इस लाइन को परपेंडिकुलर है, ये फिर भी परपेंडिकुलर नहीं हुआ, ठीक है। बट ये क्या है, ये सिलेंडर क्या है, इस लाइन को सिमेट्रिक है या नहीं है जरूरी नहीं है, बट बस इसका दो फेस है और एक कर्व्ड स्पेस है, ओके। यहाँ पर ये हमें इसको देखा देखे, अगर इसको फेस के ऊपर दिख रहे हैं तो इस तरह के कारण अब हम, क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस हो गया हमारे पास, एक सिलेंडर क्लोज सरफेस हो गया, अब हम इस ई डॉट डी एस मतलब गॉस लॉ पुट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्लोज सरफेस आ गया है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब हम कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है इस क्यू एनक्लोज को कैलकुलेट करेंगे। जाहिर सी बात है, तो प्लेन में जो भी चार्ज होगा वो इस फेस के अंदर होगा, मतलब जो भी चार्ज इस पॉइंट में होगा, मतलब इस जो प्लेन के अंदर यहाँ पर होगा वो सिलेंडर के अंदर बाउंडेड होगा। तो सिलेंडर के बाउंडेड क्यों होगा, इसका कोई लेंथ मतलब कोई हाइट नहीं है क्योंकि चार्ज शीट के कंसिडर कर रहे हैं। तो जो भी चार्ज होगा वो इस फेस के साथ, मतलब जो चार्ज क्यू होगा, सिग्मा इंटू द एरिया ऑफ दैट फेस, मान लो कि इस एरिया ऑफ द फेस एस है, ठीक है। तो अगर ये एस है तो क्यू होगा एस सिग्मा एस। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस के साथ इक्वल हो गया, किसके साथ इक्वल है, तो सिग्मा एस बाय इप्सिलॉन जीरो। यहाँ तक हम समझ गए, ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरी कंडीशन, दूसरी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये है हमारे जनरल केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, बस इतना ही कर लेंगे। तो अब हम इसको अगर एक्सपांड कर लेंगे तो जाहिर बात है इस सिलेंडर का टू फेस है, दो फेस है, मतलब एक ऊपर की ओर है यह, तो यहाँ पर एक है, ये एक फेस है, ठीक है, और यहाँ पर एक अनदर फेस है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो फेस है, तो हम इसको कह सकते हैं ई, मान लो इस फेस का हमने मैग्नीट्यूड लिया है एस, सो ई डॉटेड विथ दैट फेस एस, ठीक है, और टू है, टू मल्टीप्लाइड बाय, एंड एक कर्व्ड स्पेस है इस फेस हियर, ओके, जो इस कर्व पर है, तो यहाँ पर इसका यहाँ पर भी है, तो एक कर्व्ड स्पेस है, प्लस इसको हम ई एस टी एस ले जाते हैं, तो ई वेक्टर, ओके, एस टी एस, ओके, डॉटेड विथ दिस एस टी एस हियर, सिग्मा एस बाय इप्सिलॉन जीरो, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब जो, क्योंकि हम एक इन्फाइनाइट चार्ज शीट कंसीडर करें और यूनिफॉर्म सीमा है, तो हम ये
ये ऑब्वियस है कि ये जो भी होगी इस फील्ड के ऊपर यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि इस सरफेस पर, इस टेस्ट पर और इस पर, क्योंकि इनफाइनाइटली चार्जेड है और इसका जो डायरेक्शन भी है यूनिफॉर्म ही होगी। इसका अगर आप जानना चाहते तो आप ऐसे कंसीडर कीजिए, मान लो कि ये मेरा इनफाइनाइटली चार्जेड है, ठीक है, मतलब ये माइनस इन्फिनिट से ये प्लस इन्फिनिट तक है, ठीक है। मान लो कि ये हमारे कुछ एक पॉइंट है, मान लो कि ये जीरो पॉइंट पर है, ठीक से बात, किसी भी पॉइंट है, तो इस पॉइंट लाए, मान लो कि ये पी पॉइंट है, ओके, तो हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के लिए क्या होगा, जाहिर सी बात है इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर होगा इस डायरेक्शन में। और मान लो कि मैंने यहाँ पर एक्स डिस्टेंस इन माइनस इन्फिनिटी डायरेक्शन, तो माइनस एक्स डिस्टेंस पर एक चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें इस पी पॉइंट पर, तो इसका दो कॉम्पोनेंट होगा, तो पहले होगा एक तो ऐसे जा रहा है, तो इसका कोई एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ओके, और अनदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो मैं यहाँ पर भी एक एक्स पा सकता हूँ और ये यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर जो भी होगा इसका एक मिरर यहाँ पर हम हमेशा मिल सकता है, हम इसका मिरर, तो यहाँ पर मान लो कि हमारा प्लस एक्स पॉइंट पर एक्स इसी मिरर है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसके लिए भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा यहाँ इस डायरेक्शन में एंड एक वर्टिकल होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में है, और जो भी वर्टिकल है ऑलवेज कैंसिल हो जाएगा इस मिरर के फॉर्मूला के अनुसार, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस फेस होगा, ओके, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ही होगा, ठीक है, और इसका कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर टू और पैरेलल टू दिस कर्व्ड स्पेस नहीं होगा, ठीक है, तो इसका कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो ई डॉट डी एस विथ द एंगल बिटवीन ई डॉट डी एस इज जीरो, बिकॉज ई एंड एस दिस इज द एंगल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई हियर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एस हियर, सो दिस इज ई एंड दिस इज एस, देयर आर नो एंगल बिटवीन देम, जीरो एंगल, बट दिस इज द सर्फेस डिरेक्शन हियर, कर्व सर्फेस हियर, सो डिरेक्शन ऑफ सर्फेस इज हियर एंड दिस इलेक्ट्रिक डिरेक्शन इज हियर, वी नो दैट द सर्फेस डिरेक्शन ऑफ सर्फेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, सो इन कैप इज वी नो दैट, सो दैट इम्प्लाइज दैट दिस इज द डिरेक्शन ऑफ सर्फेस एंड दिस इज द डिरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द एंगल बिटवीन दिस इज 90 डिग्री, देन कॉस 90 डिग्री जीरो, ऑफकोर्स दिस इज गोइंग टू बी जीरो, प्लस इज इक्वल टू वाट, सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन जीरो, राइट, सो वी कैन कैंसिल दिस एस हियर 2s, then we are left with E equal to sigma by 2 epsilon 0, and if we just know about the direction, this is very simple, just E vector equal to n cap, well, n cap is just perpendicular, that's it, we just consider, we just calculated that, so thank you, this is the electric field for infinite charges, so make sure to like, hit the video, because I'm इसके लिए ही इस वीडियो को बना रहा है, आप लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए, यही हमारा मोटो है, और कुछ खास हम इसमें आपसे नहीं चाहते।